वापस चैप्टर का नाम बताओ क्या है। एलओडीआर। चलिए चैप्टर का नाम है सेबी एलओडीआर। बोलो मेरे साथ, सेबी फुल फॉर्म बोलो, डीआर का, एलओडीआर का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको क्या बोलता है, जब भी एक कंपनी क्या होती है अपने आप को लिस्ट कराती है तो कुछ लिस्टिंग की ऑब्लिगेशंस है, वो ऑब्लिगेशंस में क्या क्या आता है, डिस्क्लोजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं मेरे नालायक बच्चों। वापस वापस ठीक। अब जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये चैप्टर आपको क्या बोलता है, सेबी के रेगुलेशन, सेकरा, देन सेकरा के रेगुलेशन, फिर सेकरा के रेगुलेशन को लेकर उन्होंने बोला कि भाई हम ये कहाँ पढ़ चुके, सेकरा कहाँ पढ़ चुके, चैप्टर थर्ड में पढ़ चुके, इसलिए ये सब नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यस ये पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से डील करें ना, आईटेक्स कंपनी क्या कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, तो जब लिस्ट होती है तो लिस्टिंग अग्रीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, जो लेसन थर्ड में हमने डिटेल में पढ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड होता है, रिकॉग्नाइज होता है एज पर सेक्रा। ठीक, चलिए दो ऑब्जेक्ट पढ़े थे हमने इसके, कुछ याद आ रहा है, लिस्टिंग अग्रीमेंट को क्या करना, कमीज एक्ट के साथ अलाइन करना, कंसोलिडेट करना सारे प्रोविजंस को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, किस किस में लगता है, ये शॉर्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या आप लिस्ट कर रहे हो, आप लिस्ट कर रहे हो इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल, जो कुछ भी लिस्ट कर रहे हो, आईटेक्स कंपनी जो कुछ भी इश्यू करेगी, क्या इशू करिए, इक्विटी शेयर्स लिस्ट कराओ, कन्वर्टेबल लिस्ट कराओ, नॉन कन्वर्टेबल, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स क्या थी, फॉरेन कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जाके पहले लिस्ट होगी और क्या करेगी बच्चा, आईडीआर। अब इसका एक प्रोसेस होता है डिटेल, ठीक है, इतनी प्रोसेस डिटेलिंग देनी रखी इसलिए हमने ये भी नहीं डिटेल में पढ़ा। चले सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ याद आ रहा है, सिर्फ आईसी एक्ट एंड ऑल, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, अगर आईटेक्स एक म्यूचुअल फंड है तो ये भी तो कुछ सिक्योरिटीज इशू करता है, वो सिक्योरिटीज, इक्विटी, डिबेंचर, ये सारे वर्ड हम यूज नहीं करते, हम यूनिट वर्ड यूज करते हैं, उस यूनिट को भी हम क्या करवाएंगे, लिस्ट। खरीदने वाला जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर होता है तो यहाँ पे कौन होता है, यूनिट होल्डर होता है, वो यूनिट होल्डर क्या करता है, मार्केट से यूनिट खरीद सकता है। ठीक है, तो इसे भी लिस्ट किया जाता है, देन अदर सिक्योरिटी जो भी सब कवर हो जाएंगी, क्लियर है। चले फिर हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल पढ़ा था, हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी, याद है, लिस्ट हो चुके, अब जो कुछ भी नए शेयर्स लेके आएंगे तो जहां लिस्ट हो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने का, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, अगर नेशनल वाइड है तो वहां पे जाकर, अदर देन नेशन वाइड है तो वहां पे जाकर, या फिर बोथ, लेकिन पूरा कंक्लूजन मैंने आपको बताया था, हमारे देश में तो दो, एनसीएलटी, एनसीएलटी बोल रहे हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ठीक है, चलो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक है, ये नेशन वाइड है। ठीक है, अदर की तो बात हो ही नहीं रही, बोथ की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि सब खत्म केस हो चुके। ठीक, चलिए फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, डेफिनेशन में एक डेफिनेशन छोड़ दी थी, कौन सी डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिटेल में पढ़ चुके, सेम कॉपी पेस्ट, लेकिन हाँ फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगी। ठीक, आ जाओ, अभी रिवाइज करवा रही हूँ, रुको रुको, पहले एक बार शॉर्ट में और बता दूं क्या पढ़ा था। फिर हमने देखा था लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस डिपेंड, आप कौन सी सिक्योरिटीज इशू कर रहे, अगर आपने कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज इशू करी तो कॉमन ऑब्लिगेशन, ये चैप्टर आपको कॉमन ऑब्लिगेशन की बात करता है, स्पेसिफाइड करी तो कुछ अलग से एक्स्ट्रा है जो आपने डिटेल चैप्टर में अभी देखा, नॉन कन्वर्टेबल के लिए अलग है, ये सारी लिस्ट है, डिपेंड अगर आपने सिक्योरिटी रिसिप्ट किया तो ये वाली, म्यूचुअल फंड के यूनिट किए तो ये वाली, ठीक है, इनकी पूरी लिस्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी डिटेलिंग नहीं दे रखी है, कुछ कुछ चीज़ों की बस दे रखी है, नॉर्मल कॉमन दे रखी है, स्पेसिफाइड की दे रखी है, नॉन कन्वर्टेबल की दे रखी है, हर किसी की दे रखी नहीं है, लेकिन ये आपको एक तरीके से ओवरव्यू तैयार करवा रहा है, आपके माइंड को सेट कर रहा है कि भाई डिपेंड कौन सी सिक्योरिटीज है, कॉमन तो आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा एडिशनल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्लियर है। चलो फिर इसके बाद कॉमन ऑब्लिगेशन स्टार्ट, सबसे पहले क्या था, कंप्लाइंस ऑफिसर, कौन होता है कंप्लाइंस ऑफिसर, सीएस होता है, सारे कंप्लाइंसेस, ठीक है, फिशर ट्रांसफर एजेंट, कॉपरेट करना, इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर कौन सा, सिक्स, पूरी इंटरमीडियरीज की लिस्ट है, ठीक है, मर्चेंट बैंकर, बताते जाओ जरा लिस्ट, मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड ऑल, ये सब लिस्ट आ गए। ठीक है, चलो इन्होंने कहा कि भाई कॉपरेट करना है इनके साथ, ये सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना है, परमानेंट भी रख सकते हैं,
और 8 साल के लिए भी, 8 साल को टेम्परेरी बोल सकती हूँ लेकिन टेक्निकली परमानेंट बोल रखा हो 8 साल के लिए, ठीक है। लेकिन एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो परमानेंट डॉक्यूमेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं। टेम्परेरी से मतलब पिछले 8 साल तक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो बहुत ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो परमानेंट है उन्हें तो हमेशा। आपकी अगर कंपनी 150 साल पुरानी हो गई तो 150 साल वाला डॉक्यूमेंट भी संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट चिल्लर होते हैं, उनको बोलते हैं भैया 8 साल बस मेंटेन करो, ताकि इनकम टैक्स का छापा या किसी का भी, कुछ सी भी अथॉरिटी अगर आपसे पूछेगी तो पुराने 8 साल तक के ही डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं मांगे जाएंगे। मतलब अगर कोई गलत बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन तो अब खत्म, नहीं मांग सकते, क्योंकि बच्चा मेंटेनेंस बहुत स्टोर करके रखना, ये सब बहुत नाटक होते हैं, ठीक। चलो, फाइलिंग, स्कीम मैनेजमेंट, ये सब और एक्स्ट्रा बातें। फिर हमने क्या किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझा। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कंपनी को सही तरीके से चलाना, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज। कंपनी को अगर सही तरीके से चलाना है तो क्या कवर करना पड़ेगा? 17 से 27, 46 का सबसेक्शन 2, देन शेड्यूल 5, उसका पैरा CDE। ये तीन चीजें आपको बताती हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने ये सब फॉलो किया, रेगुलेशन फॉलो किया, मतलब आपकी कंपनी प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रही है। हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, कुछ कंपनीज को बोल दिया था आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बताओ एक्सेप्शन, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, चलो सब निकालो, पेज नंबर बताओ कौन सा था, पहुंचो। अब ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं मुझे कुछ। हाँ यही था, ये रहा, मेरे में है 311। चलो, एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या बोल दिया था, यहाँ जितनी भी लिस्ट दे रखी है इन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लगेगा, मतलब जो वो सेक्शन हमने पढ़े थे वो एप्लीकेबल नहीं है। चलो, सबसे पहले क्या, लिस्टेड कंपनी, छोटी कंपनी। छोटी कंपनी से मतलब क्या है, जिनका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10 करोड़ से कम है, एंड है कि और है, एंड है, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग नेटवर्थ कितना, 25 करोड़ से कम, ठीक है। अगर इससे हाई होता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप छोटी कंपनी हो, आप वो सारे रेगुलेशन नहीं भी फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उन्होंने बोला SME एक्सचेंज, मतलब छोटी कंपनीज, देन इंसॉल्वेंसी, ये दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये 17 को बोलता है मत फॉलो करो, ये बोलता है 18, 19, 20, 21 में फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कंपनी का केस IBC कोड में जा रहा है, मतलब इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी में तो वैसे ही बर्बाद हो गया है, इन्होंने कहा कि फिर रेगुलेशन थोड़ा ना फॉलो करोगे, कंप्लाइंस थोड़ा ना करोगे, अभी तो हम आपको ठीक करें। ये बस ऐसा ही है, कोई बीमार हो गया है तो उस पर अगर कोई केसेस लग रहे हैं तो वो थोड़ा रुक जाओ, कुछ अगर उसने ठीक नहीं कर रखा तो अभी उसको हम डांट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अभी इसकी तबीयत खराब है, पहले एक बार तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद हम कहेंगे तूने कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो अभी इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, IBC, ठीक है। चलिए, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने सेबी के LOD या रेगुलेशन से छूट बोला है, ठीक। तो कंपनीज एक्ट के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आया? एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज एक्ट के, एक है सेबी LODR। कंपनीज एक्ट की सारी बातें मानो, भले ही सेबी LODR के ये वाले सेक्शन मत मानो, डन। फिर इसके बीच में जो मैंने आपको छोड़ा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही था, वो पूरी डिटेल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही था, ठीक। चलिए, यहाँ पे हमने क्या, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उन्होंने बोला भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी बातें अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रही, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर कमिटी भी मेंटेन करके रखो, ठीक है। कमिटी थी कितनी, 4 कमिटी हमने पढ़ी, कौन कौन सी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसमें भी एक लिमिट होती है, लिमिट में 2 कमेटी को कंसिडर करते हैं, एक है ऑडिट कमेटी, दूसरी कौन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ठीक है। चलो, लिमिट हमने पढ़ी थी कि भैया 5 होती है 10 होती है, बहुत सारी, तो इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, वेरी गुड। ये पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमने ये डिटेल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा डिटेल टॉपिक पढ़ा था, क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी हमने समझा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन समझा। रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट, ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी थी, ये पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इससे आपको पहले ये समझ में आता है कि किसे हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आईटेक्स कंपनी और तुम लोग मेरे रिलेटेड पार्टी, तो पहले इन्होंने आपको रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन बताई, आप उन रिलेटेड पार्टी में आ गए। तो जब आपके और मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने से मना नहीं किया गया है, बोला है आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हो,
बस हम चाहते हैं कि चीजें बहुत सही तरीके से हो। जब भी रिलेटिव आ जाता है तो आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वहाँ पे चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करोगे। तो इसीलिए हमने बस कंप्लाइंसेस बढ़ा दिए कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है ना तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको? सबसे पहले ऑडिट कमेटी से। लेकिन अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किस नेचर के हैं? मटेरियल, ठीक है, तो मटेरियल में उन्होंने बोला कि और कंप्लाइंसेस, आपको बस ऑडिट कमेटी से काम नहीं चलने वाला, आपको शेयरहोल्डर की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अप्रूवल बस ले लो, ठीक है। रिलेटेड, नॉर्मल रिलेटेड पार्टी है तो ऑडिट कमेटी से पूछो, मटेरियल है तो दोनों से पूछो, ऑडिट कमेटी से पहले वहां करके उसके बाद शेयरहोल्डर से जाकर पूछने का, डन। तो हमने फिर डिटेल में पढ़ा था, फिर हमने एक ऑब्निवस अप्रूवल पढ़ा था, क्या था बताओ? ऑब्निवस अप्रूवल क्या होता है? जो रिपीटेटिव नेचर के काम है, इनसे बार बार क्या छोटे छोटे पूछना, मालूम है ना, पिछले 5 साल से यही इन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे, ये रिलेटिव है ही। तो भाई एक काम करो, ऑब्निवस अप्रूवल, साल में एक बार अप्रूवल होगी, पूरे साल भर के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। डिटेल देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार डिटेल भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैटर का ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है, 1 करोड़ से कम है, ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमने ये सारी कहानी पढ़ी, समझी, फिर हमने कहा कि भाई आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। ये मैंने रीड करने को दिया था, शॉर्ट में बता रही हूँ, कुछ याद आ रहा है? 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 11 दिन पहले, बताओ 5 दिन पहले क्या बताना है? फाइनेंशियल रिजल्ट, अगर वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअल, ये क्या बोल रहे हैं? एडवांस एडवांस एडवांस। अगर हम जिस बोर्ड मीटिंग में ये बात डिस्कस करने वाले हैं तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को, चैप्टर का नाम फिर से बताओ, सेबी LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरी कंपनी लिस्ट है, अगर मैं अपनी मीटिंग में ये सारे डिस्कशन करूंगी तो पहले 5 दिन पहले बताऊंगी स्टॉक एक्सचेंज को। 5 दिन पहले क्या बताऊंगी? भैया फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट को लेकर डिस्कशन, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो भी, एज अ केस में भी, डन। नेक्स्ट क्या था? 2 दिन पहले बता दूंगी स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या डिस्कस करने वाले इस मीटिंग में, बाय बैक या फिर क्या डिलीज होना चाहते। हमारी बोर्ड मीटिंग बैठे हैं डिस्कस करने वाले क्या, कि चलो हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, डिलीज करते हैं, चलो वोट करें। उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पहले 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो, हमारी मीटिंग अब होने वाली है, टॉपिक हमारा ये है। समझ में आ रहा है? सेम ये सारे ऑप्शंस है। फिर ये 11 दिन पहले बता देना क्या, ऑल्टरेशन इन द फॉर्म या नेचर ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटी, राइट्स, प्रिविलेज, शोल्डर्स, भैया ये सब चेंज करो। समझ में आया? 5 दिन, 2 दिन, 11 दिन, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता भी दिया था और रीड भी करने को दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलो। फिर डिस्क्लोजर को लेके हमने पढ़ा था कि भाई आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक डिस्क्लोजर विदाउट गाइडलाइन है, एक है भैया मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे बस उन्होंने नाम दे रखा है, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा डिस्क्लोजर है, डिटेल में उतनी नहीं बताई। यहाँ इन्होंने फिर भी थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी थी, ठीक है। क्या डिटेलिंग दे रखी है? कि आपको ये डिस्क्लोजर देना है, पॉलिसीज मटेरियल नेचर की, ठीक है। चलिए 30 डेज पहले, यहाँ इन्होंने कहा 30 30 मिनट्स आउटकम मीटिंग हो जाएगी उसके आधे घंटे बाद, 30 मिनट्स बाद आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कौन किसको इन्फॉर्म कर रहा है बताओ? कंपनी इन्फॉर्म करिए किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, इन सारे मैटर्स के रिगार्ड में, ठीक। चलिए ये सब पढ़ लिया था, फिर डॉक्यूमेंट्स, चिल्लर टॉपिक, दिखने में चिल्लर होते लेकिन एग्जाम में ये पूछ ले जाते। इसका मैंने आपको बताया था, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी को क्या बोला? एनुअल जनरल मीटिंग, आप पे 6 महीने वाली बात नहीं लगी, आपको 5 दिन, और ये क्या बोल दिया? वन वे लाइव वेबकास्ट आपको करना पड़ेगा, एकदम लाइव ऑनलाइन, ठीक है, ये मीटिंग दिखेगी ताकि कोई भी धांधली ना हो, ठीक है। बहुत सारी बातें बताई थी इसमें मैंने, ठीक है, वापस आओ। पॉलिसीज बताई थी मैंने, ठीक है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको कौन सी पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रिजर्व रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो। देखो हर कंपनी को अपनी खुद की पॉलिसी बनानी है। ITES की पॉलिसी है कि हम अपने परमानेंट डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखेंगे यहाँ, ठीक है, ऑफिस में, रजिस्टर ऑफिस में, यहाँ इस जगह हमने रखा है, ऐसे हमने बोला। हम ऑनलाइन भी रख सकते हैं, मेरा एक सिस्टम है, मेन सिस्टम है, इस सिस्टम का एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, तो मैंने इस सिस्टम में ये फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट रखे, परमानेंट वाले यहाँ रखे हैं और अपने 8 साल पुराने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ रखे। इसकी डिटेल पॉलिसी हर कंपनी को बनानी पड़ती है, तो हर कंपनी अपनी पॉलिसी बना के रखे। और क्या लिखा है? आपकी मटेरियल सब्सिडी की पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट, आपका काम कैसे चलता है, रिस्क मैनेजमेंट, विजिल मैकेनिज्म, क्या था? विसिल ब्लोअर, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ लिया था ये सब। चलिए वापस आते, वापस आते, ये सारी पॉलिसीज थी, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉलिसी, मटेरियल इवेंट इन्फॉर्मेशन, डिविडेंड पॉलिसी, देन बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी मेंटेन। एग्जाम में डायरेक्ट पॉलिसी वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
फिर हमने पढ़ा था अलग अलग कंप्लाइंसेज होते हैं, एक वन टाइम होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, इवेंट बेस। वन टाइम पूरा पढ़ लिया था, वन टाइम मतलब कि एक बार होगा ये, ठीक है, जब भी वो इवेंट सिचुएशन आएगी वो। क्वार्टरली मतलब क्या है, हर क्वार्टर में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाफ ईयरली क्या है, हर 6 महीने जैसे कंप्लीट होंगे फाइनेंशियल ईयर के आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ईयरली बेस हर साल, इवेंट बेस क्या था, जब वो सिचुएशन आएगी, ठीक है। आपने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, इवेंट बेस भी, इवेंट बेस मैंने आपको रीड करके बताया था कि सारी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, इवेंट बेस में पढ़ा सबने, साथ में भी पढ़ा था हमने फटाफट, है ना, कि देखो ऐसा है, और तुम लोग खुद ही पढ़ पढ़ के बता रहे थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने लायक नहीं है, लेकिन स्टिल अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो फिर ये सारे इवेंट बेस हमने पढ़ लिए थे, फिर आया था क्या, ये रिपीट था टॉप 500, 1000, 2000 जो हमने थोड़ा इधर उधर करके पढ़ा, इन्होंने यहाँ पे कंपाइल कर कर बताया, ठीक है। क्या बोल रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, स्टार्टिंग में पढ़ा था जैसे चैप्टर स्टार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस चालू किया था, टॉप 1000 पढ़ लिया था ये। चलिए ये भी रीड करने को कहा था, कहा था, कितने बच्चों ने रीड किया, बस ये बताओ, नहीं किया, कितने बच्चों ने रीड किया है, किया वाले ऐसा हाथ खड़ा करेंगे, ये नहीं मिला, चलो नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा दे रही हूँ बट चलो चलो खुश रहो। ये तो पढ़ा दिया था मैंने, लाइबिलिटी क्या है, लिस्टेड एंटिटी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, अगर रूल्स रख, मैं एक लिस्टेड कंपनी, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, मैं कुछ भी कंप्लाई नहीं करती हूँ तो क्या किया जाएगा, फाइन, ट्रेडिंग मेरी आईटेक कंपनी के सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर प्रमोटर बोल दे भैया तू तो फ्रीज हो जाएगा, कुछ खरीदेगा बेचेगा नहीं, और जो सभी को ठीक लगेगा, पढ़ लिया था। फिर ये भी बता दिया था मैंने, पूरा रिपीट था, एम्प्लॉयमेंट ये वही कॉर्पोरेट कंप्लाइंस ऑफिसर की पूरी पॉइंट्स कॉपी पेस्ट है, कुछ भी वर्ड इधर का उधर नहीं किया, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। सीनियर मैनेजमेंट का भी पार्ट है, प्रैक्टिसिंग में पढ़ लिया था ये। चलो कुल मिलाकर आपका क्या क्या बचा है, कुल मिलाकर आपका बचा क्या है, ये पढ़ा रही हूँ, और साथ में फिर क्या, अब चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल हो गया, क्या पढ़ा था होली से पहले, आओ, पहले इंडिपेंडेंट एक्ट पढ़ाऊं कि ये पढ़ाऊं, यही पढ़ाते, चलो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन फॉर द लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्ट, क्या लिस्ट क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। चलो डिबेंचर कन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी, मैंने ऐसा डिबेंचर इशू किया जो नॉन कन्वर्टेबल है, तो मुझे एडिशनल क्या चीजें, ऊपर जो पढ़ा वो तो करना ही है, ये एडिशनल क्या, रेगुलेशन नंबर 50 का सब रेगुलेशन 1 बोलता है स्टॉक एक्सचेंज को ना प्योर इंटीमेशन देना पड़ेगा, लिस्टेड एंटिटी गिव प्योर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कशन चलेगा, बोर्ड मीटिंग में ये सारे डिस्कशन चलेंगे, आपको पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना है फिर बोर्ड मीटिंग करनी है, ये समझ में आया। चलो ऑल्टर इन द फॉर्म या नेचर, कुछ अभी याद आ रहा है, ऊपर अभी पढ़ते हुए रिवाइज करते वक्त कहाँ पढ़ा था, अभी हम पढ़े थे ना एडवांस में, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 11 दिन पहले, ये क्या लिखा है, टाइम लिमिट 2 दिन पहले एडवांस में आपको बताना है, लेकिन जब ये 2 दिन की कैलकुलेशन करोगे तो क्या हटा देना, जिस दिन बता रहे हो नोटिस दे रहे हो और जिस दिन मीटिंग हो रही, बीच में क्लियर 2 डेज का होना चाहिए बच्चों, 2 वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए, मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, ऑल्टर कर रहे हो फॉर्म या नेचर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन, बस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करें, हम इसका नेचर चेंज करें या इसका फॉर्म चेंज करें, ठीक है। ऑल्टर कर रहे डेट ऑफ द इंटरेस्ट डिविडेंड रिडम्पशन पेमेंट फॉर दी, अभी जो हमने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी, इसमें आप कुछ डिविडेंड दे रहे थे, या तो आप इसमें कुछ इंटरेस्ट दे रहे थे जैसे सिचुएशन, या तो आप रिडीम कर रहे थे, रिडीम करने की पेमेंट जो थी आपकी, ठीक है, उसकी डेट बदल रहे हो, बस वापस क्या बदल रहे हो, डेट। अगर आप डेट बदलो, आज इस मीटिंग में हम डिस्कशन करेंगे कि हम 12 तारीख को दे रहे थे, अब हम 12 तारीख को नहीं 10 तारीख को देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब हम 10 तारीख को देना चाह रहे हैं तो मीटिंग में ये डिस्कशन करें कि चलो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोग अपनी हाँ बताओ, तो उन्होंने कहा कि रुको रुको पहले क्या करो, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म करो उसके बाद इस मीटिंग में ये वाली बातें डेट को चेंज करो, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्या डिस्कस करें, अभी ऊपर पढ़कर आए, फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली एनुअली, फंड रेज करें बाय इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल, जब जब नॉन कन्वर्टेबल शेयर इशू करने का सोचोगे पहले पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ कि ये डिस्कशन होने वाला है, डिस्कशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बस आपको बताना है मीटिंग में डिस्कस हुआ, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, कान खड़े कर लेगा, कितनी क्रूशियल बात है जो मीटिंग में होने वाली है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन ही, फोन के ही रिकॉर्डिंग चालू कर दिया जाएगा कि भैया ये बंदा, मैं मीटिंग में बैठी हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या मालूम है कि इस मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है। अब डिस्कशन होगा फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा, जो भी वॉट एवर सिचुएशन होगी, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा कि भैया कहीं कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही या फिर कुछ और डिसकम्प्लाइंसेस तो नहीं हो रहे, तो बस इसलिए वो चाहता है मुझे प्री इन्फॉर्म कर दिया जाए। और क्या डिस्कशन हो रहा है? एनी मैटर्स अफेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। क्लियर है? पक्का? खत्म। सबसेक्शन टू क्या बोलता है? स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, लिस्टेड एंटिटी ऑल्सो इंटीमेट टू स्टॉक एक्सचेंज इन केस, क्या हो रहा है, एजीएम या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दैट प्रपोज टू हेल्ड ऑब्टेनिंग शोल्डर अप्रूवल फॉर द प्रपोजल रिलेटेड। हमने मीटिंग करवानी है। अभी ऊपर किसकी बात हो रही थी? बोर्ड मीटिंग। ऊपर किसकी बात हो रही थी? बोर्ड मीटिंग। हाईलाइट कर लो, यहां हम बात कर रहे थे बोर्ड मीटिंग से पहले इन्फॉर्म करो। ये क्या कह रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो एजीएम के बारे में, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच ऑफ द नोटिस। कौन से नोटिस की बात हो रही है? 21 क्लियर डेज, ठीक है, जब आप नोटिस दोगे उनका, उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन द डेट, मतलब कि इनको इन्फॉर्म करो फिर नोटिस दो मीटिंग का, ठीक है, कि ये मीटिंग होने वाली है। ठीक, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है? फाइनेंशियल रिजल्ट का डिस्कशन, क्वार्टरली एनुअली एज द मेज में भी फंड रेज इशू कर रहे हो, ठीक है, ऊपर जो भी कुछ पड़ा था सब मिक्स कर दिया, फाइनेंशियल रिजर्व फंड रेज करो सब मिक्स करके बोल दिया, इस मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है। एनी मीटिंग ऑफ द शोल्डर टू एनी मैटर अफेक्टिंग, ऊपर जो कुछ भी पड़ा था, इन शॉर्ट ऊपर जो कुछ भी पड़ा वो बोर्ड मीटिंग था, और यहाँ पे क्या है, एजीएम, एजीएम या फिर ईजीएम, ठीक है, जरूरी थोड़ा हमेशा एजीएम में डिस्कशन हो, ईजीएम में भी हो सकता है। चलिए फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, आपको क्वार्टरली जो फाइनेंशियल रिजल्ट देना है, देखो ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं क्वार्टरली, वो कह रहे वही, कितने दिन के अंदर, क्वार्टरली बोले तो क्वार्टरली ही देना पड़ेगा, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अदर देन लास्ट क्वार्टर। क्या था लॉजिक इसका, कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 क्वार्टर का दे दो, लास्ट वाला छोड़ दो क्योंकि हम चाहते हैं कंप्लीट दो, ठीक है। अब तो फिर आप फाइनेंशियल में आ जाओगे, सॉरी एनुअली में आ जाओगे, ठीक है। चलो द लिस्टेड एंटिटी प्रिपेयर एंड सबमिट, वही सारी घिसी पिटी बातें, कॉपी फाइनेंशियल रिजल्ट किसको देने का, डिबेंचर ट्रस्टी को भी देने का, सेम डे ऑन विच द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज को दोगे उसकी एक कॉपी किसको दे दो, ट्रस्टी को भी दे दो, समझ में आ रही है बातें। एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट 60 डेज के अंदर, ऊपर जो कुछ भी पढ़ा था रिपीट होता जा रहा है, हमने अलग अलग पढ़ा, हमने क्वार्टरली अलग पढ़ा, ईयरली अलग पढ़ा, इवेंट अलग पढ़ा, वन टाइम अलग पढ़ा, ये क्या बोल रहा है, सब कंपाइल करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो डिस्क्लोजर क्या, सिक्योरिटी कवर, लिस्टेड एंटिटी डिस्क्लोज करेगा स्टॉक एक्सचेंज को एक्सेंट, हेडिंग बताओ कौन सी सिक्योरिटीज है, नॉन कन्वर्टेबल, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, डिबेंचर, कुछ सिक्योरिटी रखी है क्या बता दो। लिस्टेड एंटिटी ऑल्सो डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज द एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी क्रिएट मेंटेन विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योर लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इन द क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली जो भी होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगा एज एप्लीकेबल, मतलब अगर आप ईयरली में आते हो तो ईयरली के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली आते हो हाफ ईयरली, क्वार्टरली आते हो क्वार्टरली, उसके हिसाब से जो ऊपर हमने पढ़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है जो रेटिंग करता है, जब भी मैं इश्यू लेके आ रही हूँ तो रेटिंग इन्वेस्टर देखता है कि भैया इनको कितनी रेटिंग मिली है, अच्छी रेटिंग तो इंटरेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज नहीं, एटलीस्ट साल में तो एक बार रेटिंग ले लेना। ईच रेटिंग ऑब्टेन बाय द लिस्टेड कंपनी विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल शैल बी रिव्यूड, ठीक है, एजेंसी रजिस्टर विद द सेबी, ठीक है, देखा जाएगा। सर्टिफिकेट द लिस्टेड एंटिटी सबमिट सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द पेमेंट, क्या बताया जाएगा कि इंटरेस्ट डिविडेंड सब का पेमेंट ऑन टाइम हुआ है कि नहीं, विद इन 1 वर्किंग डे इंटरेस्ट जब भी डिविडेंड प्रिंसिपल ड्यू हुआ, ये सारी बातें कंपनी दे रही है, स्टॉक एक्सचेंज को दे रही है, हम टाइम पढ़ रहे, सिचुएशन पढ़ रहे, दैट्स इट, समझ आ रहा है? खत्म। क्या बचा अब इस पूरे चैप्टर में, एक लौती चीज आए, वो भी वैसे पढ़ाई हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टिल रिविजन जरूरी है क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना। चल ये अच्छा, आज टेस्ट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते पहले बताओ, कंपनी
कंपनी से रिलेट ना करे, एकदम फेयर बंदा हो, ताकि हम देखेंगे कि भैया नॉर्मल जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो भैया लोग काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे कि नहीं करे। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था रॉकेश सर, अभिषेक सर, मैं, हम तीनों क्या हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, प्रिया मैम को मैंने बोल दिया था नॉन एग्जीक्यूटिव, प्रिया मैम को क्या बोल दिया था नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, साक्षी मैम भी क्या है नॉन एग्जीक्यूटिव, हम तीन एग्जीक्यूटिव हो गए और दो नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कि दिन भर टाइम नहीं देना, साक्षी मैम भी दिन भर टाइम नहीं दे रही, प्रिया मैम भी नहीं दे रही, लेकिन प्रिया मैम एक तरीके से क्या है हमसे रिलेटेड है, समझ रहे हो? तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो सकती है क्या? नहीं, साक्षी मैम एकदम इंडिपेंडेंट है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव कभी भी मत समझना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो आधा समय दे रहा है, पार्ट टाइम दे रहा है, ठीक, अपने आइडियाज देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं कि भैया कंपनी को ग्रो कराना। देखो सबका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या है भैया ग्रो कराना, नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या है ग्रो कराना, इंडिपेंडेंट का भी यही काम है ग्रो कराना। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये देख रहा है कि भैया ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सच में ग्रो करा रहे कि नहीं करा रहे, वो भी आइडियाज यही सब शेयर कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है ना कि वर्किंग भैया जिस तरीके से आप काम करो ये सही जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस एक तरीके से ये तीनों डायरेक्टर, तीनों का काम यही है। ठीक, चलो हम पढ़ रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ठीक है, अदर देन क्या बोल दिया, ये नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता है, मतलब एक नॉमिनी डायरेक्टर की डेफिनेशन नहीं आता। अब हमने नॉमिनी डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है, याद है बैंक वगैरह का अगर पेमेंट डिफॉल्ट करते थे तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता था। ये कह रहे कि भैया हम उस डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे जो बैंक ने बैठा दिया यहाँ पर, और बैंक ने क्यों बैठाया था, अपने लिए बैठाया था कि भैया ये कंपनी डिफॉल्ट कर देगी लग रहा है, तो भैया तुम जाओ देखो डायरेक्टर सही से काम करे कि नहीं करे, क्योंकि सही से काम करेंगे तो मेरा पैसा रिकवर करके देंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन प्लीज एग्जीक्यूटिव में नॉमिनी डायरेक्टर की बात नहीं करे, वो अदर देन है। डन, यहां से इसकी डेफिनेशन चालू होती है। आओ क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन के हिसाब से वो एक पर्सन है, किस टाइप का है, इंटीग्रिटी, मीनिंग बताओ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट, वेरी गुड, एंड लिखा है एंड, ऑनेस्ट तो है, पोजेस द रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले तो नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव है अदर देन नॉमिनी, ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो एकदम ईमानदार है और जिस चीज का हमें एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज चाहिए था उसमें वो सारी चीजें हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये ईमानदार बंदा है और हमें इसका नॉलेज चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जिसको आईटी का, एआई सॉफ्टवेयर का, इन सब का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो हमसे कहीं से भी कोई रिलेट ना करता हो, एकदम ईमानदार हो, और जो नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। हम ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईटेक्स ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, क्योंकि हम भी क्या चाहते हैं ग्रो करवाना। तो मैं ऐसे नॉलेज को लेके आएंगे ना जो एकदम सही हो, लेकिन ये साथ में ये तो रहेगा और बाकियों के डिसीजंस को भी देखेगा कि सच में सबके डिसीजंस कंपनी को ग्रो कराने को लेकर है कि नहीं। तो एकदम ये आउटसाइडर होगा ना तो ही वो बिल्कुल ऐसा सोच पाएगा, अगर इनसाइडर है तो वो सोच नहीं पाएगा। अगर प्रिया मैम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमारी, हमसे रिलेट करती हैं, अगर वो हमसे रिलेट करती हैं तो वो शेयरहोल्डर के साथ थोड़ा सा इधर उधर होगा तो देख लेंगे। लेकिन साक्षी मैम का एग्जाम्पल मैंने दिया तो वो एकदम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नॉलेज है, इन्हें मालूम है कि भैया ऐसे करने से कंपनी यहाँ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है इज और वॉज, क्या लिखा है, नॉट अ प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। अगर आपको शॉर्ट नोट्स याद हो, ये प्रॉपर मैंने आपको प्रिंट करके दिया था, जिसकी प्रिंटिंग मैं वापस आपको करवा दूंगी, बिल्कुल लोड मत लेना। पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो बोर्ड के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट और पोजेस दी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, ईमानदार और ये। दूसरा पॉइंट, हु इज नॉट अ प्रमोटर, दो बातें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो प्रमोटर नहीं है, और नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, दो बातें, दो सेगमेंट अभी पैराग्राफ रीड कराऊंगी फिर से। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर नहीं है और ना ही रिलेटेड है प्रमोटर से और ना ही रिलेटेड है डायरेक्टर से, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब चाहे वो हमारी कंपनी का प्रमोटर नहीं है, हमारी कंपनी के, ये आईटेक्स है, हमारी कंपनी का प्रमोटर वो नहीं है और हमारी होल्डिंग का भी नहीं है,
सब्सिडी का भी नहीं है और एसोसिएट का भी नहीं है, मतलब वो किसी का भी प्रमोटर ना हो। साक्षी मैम ना आईटेक की प्रमोटर हो, ना हमारी होल्डिंग की हो, ना हमारी सब्सिडी की, ना हमारी एसोसिएट की। बात समझ में आ रही है? डन। बस प्रमोटर नहीं, प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नॉट रिलेटेड विद प्रमोटर एंड डायरेक्टर, हमारी कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट। समझ में आ गया? अब एक बार लैंग्वेज रीड करो, ईजी हो जाएगा। इज और वॉज बोले तो ना अभी ना पास्ट, अभी भी ना हो, करंट में भी ना हो और पास्ट में भी ना हो, ठीक है? नॉट प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग सब्सिडी और मेंबर प्रमोटर ग्रुप, ठीक है? प्रमोटर ग्रुप बोल दिया उन्होंने, ठीक है? वैसे ये वाला पॉइंट आ गया, नॉट रिलेटेड साथ में आ गया, प्रमोटर और डायरेक्टर इन द लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडी। तो ये सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट को एक साथ समझ लिया। डन, पक्का? चलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर है? पक्का? बढ़ू आगे? अब ये दूसरा है, ठीक है? ये एक्चुअल में नेक्स्ट में आएंगे। रीड करते, हु हैज लिखा हैज और हैड? हैज बोले तो अभी प्रेजेंट, या फिर हैड पास में भी। नो पेक्यूनरी रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय पेक्यूनरी? पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मनी मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है? अदर देन, हम इसकी बात नहीं कर रहे भाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ रखोगे, पैसे तो दोगे। तुमने कहा पैसे से रिलेशन नहीं होना चाहिए, भैया हम तो दे रहे हैं उनको पैसे यहाँ काम करें। तो उन्होंने कहा भाई रेम्यूनरेशन को छोड़ के, अदर देन, अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने का, तो हम उसकी बात नहीं करें, इसे हम पेक्यूनरी रिलेशन नहीं मानते, ठीक है? हैविंग ट्रांजेक्शन, उन्होंने कहा 5%, 10, 9%, नॉट एक्सीडिंग 10, 10% भी आ जाएगा, नॉट एक्सीडिंग, 10 से ज्यादा नहीं। अगर उनका 6-7-8% का है, 9-10 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है? विद द कंपनी, या तो कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडी से, एसोसिएट से, या फिर उनके प्रमोटर से, उनके डायरेक्टर से। कब की बात करें? पिछले 2 साल की बात करें और ड्यूरिंग दी करंट ईयर। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई पेक्यूनरी रिलेशन ना हो, ना कंपनी से हो, ना होल्डिंग से, ना सब्सिडी से, ना एसोसिएट से, और ना ही इनके प्रमोटर से, इनके डायरेक्टर से। कब देखेंगे? हमने कहा आज और कल, पिछला देखेंगे, पिछला 2 साल तक का देखेंगे, ठीक है? लेकिन ये अलाउड है। अभी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम करने के लिए हम उसे जो फीस रेम्यूनरेशन दे रहे, वो अलाउड है, इसे पेक्यूनरी रिलेशन से बाहर मानेंगे। और उन्होंने बोल दिया कि अगर इनकी जो भी हैविंग ट्रांजेक्शन इज नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, इनका जो ट्रांजेक्शन है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो उसकी टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और एक बार रीड करो, हु अपार्ट, ये बोल देना अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये अलाउड है, ये अलाउड है, हैज और हैड, पहले ये रीड करेंगे, यहां से रीड करते। देखो रीड करने का तरीका, कॉमा वाली चीजों को ना थोड़ा सा साइड कर दिया करो। हु हैज और हैड नो मॉनिटरी पेक्यूनरी रिलेशन विद द लिस्टेड एंटिटी, या फिर उसकी सब्सिडी, होल्डिंग, एसोसिएट और उनके प्रमोटर, देयर प्रमोटर, मतलब होल्डिंग के भी प्रमोटर, सब्जी के किसी के भी प्रमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग। अच्छा ये क्या लिखा है? तो दो क्यों लिखा है? चलो मैं एक बार चेक करूंगी, लेकिन इसका 3 है तो 3 ले ही लो, ठीक है? अभी 3 ही मान के चलो, एक बार मैं क्रॉस चेक तो करूंगी, ठीक है? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और दी करेंट, ठीक है? लेकिन क्या अलाउड है? नीचे ट्रांजेक्शन दे रखा है, हाँ यहाँ दे रखा है, नन ऑफ ये रिलेटिव, 2 चीजों को कवर कर रखा है, ठीक है? और ना ही उनके, नन ऑफ हुज रिलेटिव, प्रोवाइडेड पेक्यूनरी रिलेशन ट्रांजेक्शन लिस्टेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडी, सब 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 वही। उन्होंने कहा भैया ए से डी तक जो भी अभी हम पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, अबव शैल नॉट बी एक्सीडिंग, नहीं कुछ डेफिनेशन इधर उधर हुई है, 2 मिनट रुको बच्चा, वापस वापस वापस, ठीक है? पहला पॉइंट पहले बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? क्या बोलता है? इंटीग्रिटी प्लस एक्सपर्टाइज। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? प्रमोटर ना हो, और ना ही प्रमोटर के ग्रुप का मेंबर हो, ना कंपनी का, ना उसकी होल्डिंग का, ना उसकी सब्सिडी का, ना उसका एसोसिएट। ये समझ में आ गया? तीसरा, ना ही रिलेटेड हो प्रमोटर से, ना ही डायरेक्टर, वही होल्डिंग, वही सब्सिडी, वही एसोसिएट, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या था? रेम्यूनरेशन मिलेगा,
उसके अलावा सारी कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ वो सब भी हट गया, हट गया, बस रेम्यूनरेशन दे रखा है। और रेम्यूनरेशन में भी उन्होंने कहा कि आज का देखेंगे और पिछले 3 साल का देखेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या क्या नहीं है जो हट गया, ये 2 की जगह 3 हो गया और ये कुछ भी नहीं है। इसकी जगह उन्होंने एक लंबा चौड़ा घुसा के रखा है। आओ यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, बढ़ू आगे। नन ऑफ हुज रिलेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है उसका रिलेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव ए बी सी जो भी अभी हम पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड करके उन्होंने फिर ए से डी का रेफरेंस दे रखा। तो आ जाओ ए पॉइंट क्या बोलते हैं, हुज रिलेटिव इज होल्डिंग कंपनी या इंटरेस्ट इन दी लिस्टेड कंपनी, क्या लिखा है, उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग कब, पिछले पिछले 3 साल में और ड्यूरिंग दी करेंट फाइनेंशियल ईयर, अभी तक तो सेम ही चल रहा है ये सारी बातें। ऑफ द फेस वैल्यू इन एक्सेस कितना लिखा है, 50 लाख, और क्या लिखा है, 2% ऑफ दी पेड अप कैपिटल लिस्टेड एंटिटी, 50 लाख और 2%, ये उन्होंने डी वाले पॉइंट को बताया, डी वाला पॉइंट, लेकिन उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। वापस रीड करूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिसका रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी, होल्डिंग की सिक्योरिटी इन दी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्जी कंपनी एसोसिएट कंपनी, क्या लिखा है, 50 लाख फेस वैल्यू और 2% ऑफ दी पेड अप, 2% ऑफ दी पेड अप, ये चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, ग्रॉस टर्नओवर इनकम ही होता था, ठीक है। मैं आपको ये चार्ट बस दे दूंगी और उस चार्ट को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि बस चार्ट देने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि इससे थोड़ा सा ना, जब इस तरीके से पैटर्न होता है ना तो चीज़ें ईजी हो जाती है, लेकिन इसको तुम्हें खुद से चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं भी चेंज करती जा रही हूँ, ठीक है। चेंजेस मैंने क्या करवाए, सारी चीज़ें सेम है, ये हट गया है, 2 की जगह 3, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे से ठीक है, 50% ऑफ फेस वैल्यू और 2% किसका है, वहाँ पेड अप कैपिटल, ये चेंज कर देना, ठीक है। आओ रीड कर लो, कहाँ गया, 2% पेड अप कैपिटल लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और सच हायर एज मे बी, ठीक है, और सच हायर एज बी जो भी स्पेसिफाइड किया जाएगा, ये आ जाएगा। बी क्या लिखा है, उधारी, उधारी इज इंडेड टू द लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट देयर प्रमोटर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड, कब देखा जाएगा, पिछले 3 साल और करंट ईयर का देखा जाएगा। हैव गिवन गारंटी या फिर प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, नन ऑफ हुज रिलेटिव, हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटिव के साथ इसने क्या बोल दिया, हम क्या नहीं देखेंगे, एक्सेस 50 लाख या 2%, नेक्स्ट क्या बोल दिया, उधार से लेंगे, या फिर क्या बोल दिया, गारंटी भी ना दी हो, बाई सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ टू एनी थर्ड पर्सन। वापस आईटेक्स कंपनी, इसमें आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके रिलेटिव ने कंपनी को क्या नहीं दी हो, गारंटी ना दी हो इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडी जो भी है, फिर ऐसा अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड पिछले 3 साल का देखा जाएगा और करंट ईयर का। हैज एनी अदर कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद लिस्टेड होल्डिंग या से 2% और मोर, ये आ गया, बहुत इन्होंने इधर उधर करके लिखा है। वापस पॉइंट्स यहाँ पे, पिछला अगर मैं बोलूँ तो पहला वाला पॉइंट था और ये डी वाला पॉइंट था, बी और सी में इन्होंने गारंटी और इंडेट भी डाल दी है, ये उन्होंने चेंज किया है जो कंपनीज एक्ट उसमें जो चेंज देख रहे हैं। प्रोवाइडेड पेक्यूनरी रिलेशन या ट्रांजेक्शन विथ लिस्टेड एंटिटी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडी या एसोसिएट या देयर प्रमोटर डायरेक्टर इन रिलेशन टू, जो ए से लेके बी तक हमने अब पढ़ा, शेल नॉट बी एक्सीडिंग 2% ऑफ दी ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और दी 50 लाख ऑफ सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफिक विच एवर इज लोअर। तो इन शॉर्ट, वापस आ रही शॉर्ट में, इस शॉर्ट में हमने ये पढ़ा, ये है, ये एज इट इज है, ये पूरा एज इट इज है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी ये अमेंडमेंट से 4 बातें लाई हैं, ये जो 4 बातें हैं ये या तो क्या होना चाहिए, 50 लाख या फिर 2% विच एवर इज लोअर। ए बी सी डी वापस से बता रही हूँ, ए किसकी बात करता है, होल्डिंग सिक्योरिटीज की बात करता है, वापस वापस वापस, ए किसकी बात करता है, सिक्योरिटी होल्ड करना, बी कह रहा है उधार, सी बोलता है गारंटी,
और ये क्या बोलता है, एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशन। इन चारों को ध्यान रखना है कि ये कभी भी क्या ना हो 2% या 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, विच एवर, जो भी हायर अमाउंट, विच एवर इज लोअर। अगर इससे एक्सीड करता है तो आप क्या हो रहे हो, आप क्या माने जाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट, ये चेंजेस हुए, हु इज नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं हुआ है। ये पूरा ई पॉइंट लंबा चौड़ा था जिसमें 1, 2, 3, 4 बहुत सारी बातें थी। पहले मुझे बताओ क्या ये सारी बातें समझ में आई, फटाफट मेरे साथ रिविजन करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन वो इंटीग्रेटेड और एक्सपर्टाइज है। दूसरा, ये देखो, प्रमोटर नहीं है इन कंपनीज में, और प्रमोटर से और डायरेक्टर से रिलेटेड भी नहीं इन कंपनी में। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, पेक्यूनरी रिलेशंस ना हो। अब इसमें उन्होंने बोला अदर देन रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन अलाउड है, रेम्यूनरेशन अलाउड है, बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, उसका रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या था, ए पॉइंट सिक्योरिटीज की बात करता है, होल्डिंग की बात करता है, सेकंड पॉइंट इनडेटनेस की बात करता है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, गारंटी, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, अदर पेक्यूनरी। फिर उन्होंने ये बोला फेस वैल्यू है विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे भी ये चेंज है, पिछले 2-2 साल बोल रहा है, आपकी बुक में क्या हो चुका है, पिछले तीन 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 हर चीज में हम क्या देखेंगे, पिछले 3 साल। समझ में आया, ये अच्छे से डन है तो ये आगे बढ़ूंगी। अब लास्ट वाला पॉइंट, नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, अमेंडमेंट से क्या लेके आया, अभी जो मैंने दिखाया था, इन्होंने बोला भैया हिमसेल्फ ही क्यों, हमेशा लड़के को ही क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, हर सेल्फ भी, तुम्हारी बुक ने दोनों लिख दिया है, ठीक है। चलो, तो ये बस अमेंडमेंट से आया है बच्चों, जहां कहीं भी नहीं लिखा है, एक जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ लिया है, जनरल क्लॉज एक्ट जिगल में पढ़ा है, वो आपको क्या बताता है, हिमसेल्फ में दोनों इंक्लूडेड है। आपको उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें ये बताया गया कि स्टार्टिंग में जब लॉज बनते थे तो बच्चा तुम हर जगह देखो ही लिखा रहता है, मान लिया जाता है शी भी है, क्यों ये बार बार इतना इतना बड़ा चढ़ा के क्यों नहीं लिखते, ये दोनों ही क्यों नहीं लिखते, वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि पेजेस अननेसेसरी लेंदी होंगे, डायरेक्ट अननेसेसरी लेंदी होगा, हर जगह हम ही शी लिखेंगे, हिमसेल्फ हरसेल लिखेंगे, तो अननेसेसरी से रिपीटेटिव चीजें बढ़ती जाएंगी, तो हम बस उसे अवॉइड करने के लिए इसलिए जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है, इसकी जगह मान लिया जाएगा ये है, लेकिन स्टिल इन्होंने ऐड कर दिया। चलो, नाइदर हिमसेल्फ और नॉर, नाइदर हिम और हरसेल्फ और नॉर हिज हुज रिलेटिव, इनके रिलेटिव भी नहीं, ठीक है। अब देखो, ए पॉइंट दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये पूरा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, सी डी ई ये पूरा सेम है, ठीक है। तो इसमें 5 बातें हैं, इसमें 5 बातें, आओ पहले शॉर्ट में, चलो, ना तो खुद ना उसका रिलेटिव, क्या, होल्ड पोजीशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी में ना वो ना उसका रिलेटिव के एमपी ना हो, एम्प्लॉई ना हो, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब में पिछले 3 साल, ठीक है, इन विच ही प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, जब उसे अपॉइंट करने को बोला आज इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अभी उन्होंने बोल दिया पिछले 3 साल से हम देखेंगे ना वो ना उसका रिलेटिव, ना के एमपीओ ना नॉर्मल एम्प्लॉय, ये तो सेम है। चलो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो एम्प्लॉय ना हो, ही एन एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर पिछले 3 साल में, इमिडिएट प्रिसीडिंग इन विच ही इज प्रपोज, आज प्रपोज किया तो पिछले 3 साल में, देखिए ये पूरा सेम है, ये तो कंपनी एक्ट जैसा ही सेम है। किस में, किसकी फर्म की बात हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब सीए की बात हो रही है, सीएस प्रैक्टिसिंग कॉस ऑडिटर, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ऑडिटर की फर्म की बात हो रही है, सब प्रैक्टिसिंग की बात हो रही है, जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, इस कंपनी का ऑडिट, आईटेक्स कंपनी में मैं साक्षी मैम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करूं, लेकिन आईटेक्स कंपनी का जो ऑडिट हो रहा है ना, ऑडिट करने वाली फर्म है, उस ऑडिट फर्म में ऑलरेडी अगर साक्षी मैम पिछले 3 साल से थी तो वो इनएलिजिबल है। बात समझ में आ रही है, वापस, आईटेक्स कंपनी का ऑडिट हो रहा है, ऑडिट करती है एक एबीसीडी फर्म, एबीसी फर्म करती है, ठीक है, मैं इस आईटेक्स कंपनी में साक्षी मैम को अपॉइंट करना चाहती हूँ, पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखी मैंने अपने फर्म की, जिससे मैं सी ए सी ए सी एम ए का काम करवाती थी, ठीक है, उसमें अगर साक्षी मैम थी उस फर्म में, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंसी इनकी खत्म होती है, क्योंकि आप उसी फर्म में थी जिस जो हमारी कंपनी का ऑडिट करता था, तो हम आपको नहीं बनने देंगे, तो हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं, लिखा है ना नॉर,
ना आप ना आपके रिलेटिव ना आप हो और साक्षी मैम का रिलेटिव भी ना हो, ठीक है। किस में? उस फर्म में ना हो जिसे ऑडिट करवाया, चाहे अब होल्डिंग की हो, चाहे एसोसिएट की हो, चाहे सब्सिडरी की हो, ठीक है। या फिर लीगल फर्म में भी ना हो। यहाँ आप तो सी ए सी ए सी एम ए प्रोफेशनल्स की बात करी, यहाँ किसी बात करी लीगल कंसल्टेंसी फर्म, किसी लॉ वाली फर्म में भी ना हो। हैज हैड एनी ट्रांजेक्शन विद दी, जिनका कंपनी के साथ क्या चलता है ट्रांजेक्शन, लेकिन ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है 10%, छोटा ट्रांजेक्शन है चल जाएगा, 10% से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो इंडिपेंडेंसी खत्म होती है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सेम है। उनकी खुद की होल्डिंग इस कंपनी में टुगेदर विथ इस रिलेटिव, खुद या मिलाकर दो या दो से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर दिलाता है उनको। अगर इस कंपनी के उन्होंने शेयर्स 1% तक के खरीदे कोई टेंशन नहीं, दो या दो से ज्यादा तो दिक्कत। बस उनका अकेले का नहीं देखना, उनका उनका भी और उनके रिलेटिव सब मिलाकर। यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? फटाफट पहला क्या बोल रहा है, केएमपी ना हो, एम्प्लॉय ना हो, पीछे 3 साल का देखेंगे। देन ऑडिट फर्म में भी, ऑडिट फर्म और लीगल फर्म में भी ना हो, होल्डिंग दो या दो से ज्यादा की ना हो। लास्ट वाला पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर ऑफ एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी बोल सकती हूँ, एनजीओ बोल सकती हूँ, एनजीओ का फुल फॉर्म बताओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो समाज सेवा करना चाह रही है, एंड ऑल, ठीक है। वापस साक्षी मैम, इस एनजीओ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए। जिस एनजीओ फर्म को रिसीव होता है कितना, 20% और मोर ऑफ इट्स रिसीव फ्रॉम दी कंपनी, हमारी कंपनी से 25% या उससे ज्यादा रिसीव की दिया जाता है, दान दिया जा रहा है, इन शॉर्ट वापस हम डोनेशन देते हैं एक एनजीओ को, उस एनजीओ में साक्षी मैम थी डायरेक्टर, उनको हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, ठीक है। चाहे अब होल्डिंग या फिर कंपनी देती है, या कंपनी का प्रमोटर, या होल्डिंग सब्सिडी कंपनी। और दूसरा पॉइंट, 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ दी कंपनी, या तो एनजीओ को बोला इन्होंने, या तो हम क्या देखेंगे, आपकी रिसीव देखेंगे कितना डोनेशन मिल रहा है, या तो हम आपको डोनेशन से देखेंगे, 25% से ज्यादा डोनेशन हम ही देते हैं आपको, मतलब हम बहुत मेजर हैं, और उसका डायरेक्टर हमारी कंपनी का सगा हो जाएगा क्योंकि इतना पैसा उसको मिलता है यहाँ से। या फिर 2% होल्ड करती है वो कंपनी, एनजीओ होल्ड करती है हमारी कंपनी में 2% इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने, ठीक है। अब एक बार रीड करो सारी बातें, देखो समझ में आ रही है क्या, ये पूरा रिपीट है। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, के एम पी एम्प्लॉई नहीं होनी चाहिए, कब देखेंगे, पिछले 3 साल का, वही होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट सेम। चलिए इज और हैज बिन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर, एक फर्म कौन सी थी प्रोफेशनल वाली और एक कौन सी थी लीगल फर्म, फर्म ऑफ ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग कॉस ऑडिटर, बात समझ में आ रही है सेम, और ये लीगल फर्म। लेकिन इन्होंने कहा भैया नहीं होना चाहिए, लीगल फर्म को लेके कंडीशन रखी, लीगल फर्म को लेके क्या कंडीशन रखी, 10% और मोर तक का अगर इनका बिजनेस है, तो फिर उससे कम का बिजनेस है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है। टुगेदर विद रिलेटिव 2% वोटिंग पावर, वही चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2% वोटिंग पावर। और ये अलग पॉइंट, मटेरियल सप्लायर, व्हाट डू मीन बाय मटेरियल सप्लायर, इंपॉर्टेंट सप्लायर, हमारी कंपनी को कहीं से मटेरियल आता है, सॉरी सप्लाई किया जाता है, कोई भी सर्विसेज हमें दी जा रही है, लेकिन अगर वो सप्लायर में नाइदर साक्षी मैम नॉर उसके रिलेटिव मटेरियल सप्लायर ना हो, मतलब उनका बिजनेस है कुछ, उस बिजनेस से हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो सप्लायर हमें वो सर्विसेज देते हैं, तो मटेरियल सप्लायर ना हो, सिंपल सप्लायर होगा चल जाएगा, मतलब छोटे मोटे बिजनेस है। अगर हम कोई सर्विसेज लेते हैं मैम से, उनका एक अलग से बिजनेस भी चलता है साइड में, तो वो अगर मटेरियल सप्लायर में कवर होती हैं तो वो भी हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे। सर्विस प्रोवाइडर ना हो, मटेरियल्स ना तो सप्लायर हो ना सर्विस प्रोवाइडर हो, ना वो हमारी कस्टमर हो, ना लेसर लेसी कुछ भी रिलेटेड ना हो। फाइनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एज होनी चाहिए नॉट लेस देन 21, मतलब 21 तो होनी चाहिए। हु इज नॉट, क्या लिखा है, नॉन इंडिपेंडेंट, कुछ याद आना चाहिए, हु इज नॉट नॉन इंडिपेंडेंट, दो अगर नाना आ जाए तो
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी ऑफ द बोर्ड विच इज नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड। रीड करो और बताओ, पूरा कंपनी लॉ में भी पढ़ा था, आज फिर से आ गया है। अगर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव बोल दूं? नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना, ठीक है। अब रीड करो, ये एग्जीक्यूटिव लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये भी लिखा है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी लिख दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एक बार रीड करो, आसान वा क्या? अच्छा समझो, एक ABC कंपनी है, एक XYZ कंपनी है, ये दोनों एकदम ही अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने एक चालाकी करी। एक काम कर, मेरा एग्जीक्यूटिव ना तेरे यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट बन जाएगा, और ये बोल रहा है मेरा एग्जीक्यूटिव ना तेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन जाएगा, तू भी मेरी कंपनी का ख्याल रखना, मैं भी वहाँ तेरी कंपनी का ख्याल रखूँ। क्या बात समझ आ रही है? दोनों ने क्या कर दिया है, एक दूसरे के यहाँ पर जो हमारे यहाँ का एग्जीक्यूटिव था वहाँ क्या बैठ गया? इंडिपेंडेंट। और वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था यहाँ इंडिपेंडेंट, तो मतलब रिलेशन आ गया। वो कह रहे भाई मैं तेरी कंपनी की कोई गलती नहीं निकालूंगा, तू भी वहां मत निकालना, तो भाईचारा यहाँ इनडायरेक्टली निभा रहे। अब एक बार रीड करो, देखो समझ में आ रहा है? नॉट, रीड करो, ठीक है बता दो पहले। हु इज नॉट, नहीं होना चाहिए, नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रीड करते, ठीक है। साक्षी मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनदर कंपनी की नहीं होनी चाहिए ऑन अ बोर्ड इन विच एनी, कोई और क्या लिखा है? एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दूसरी कंपनी का एग्जीक्यूटिव नहीं, और दूसरी कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइसा वर्सा। यार समझ गया क्या? बस समझ में आया। अब मुझे बताओ चेंजेस क्या क्या आए हैं पुराने उसमें, जो भी हमने पढ़ा लास्ट वाला पॉइंट एकदम सेम है। चेंजेस कुल मिलाकर ये हटा दिया है, दो की जगह हर जगह 3 साल है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे दो की जगह हर जगह क्या कर दिया? 3 साल। यहाँ उन्होंने ABCD एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले, बाकी सारी चीज़ें सेम। लेकिन मैं स्टिल चाहूँगी कि इस नोट्स का सहारा ले लेना, इसे चीज़ें याद रहती है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन पेश पेश किया जा रहा है, जून 2022 का क्वेश्चन था, देखते हैं बताओ। विथ रेफरेंस टू सेबी रेगुलेशन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विथ रीजन द एलिजिबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ लिस्टेड कंपनी, ठीक। क्या लिखा है? अरब हैज गिवन हिज ऑफिस प्रमाइसेस ऑन लीज टू द कंपनी, क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? बन सकता है? नहीं बन सकता है? रीजन बताओ। हमने पढ़ा ना लेसी, मटेरियल सर्विस प्रोवाइडर था, मटेरियल सप्लायर, ये सारे पॉइंट्स से अगर आप ये आते हो तो आप नहीं हो लेसी, ठीक है। चलो इसमें नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाले बताओ। अब वहां पे मटेरियल सप्लायर है, ठीक है। अब इन्होंने कंपोनेंट बोल रखा है, कंपोनेंट मतलब क्या? इन्होंने बताया भैया सप्लायर है, कहीं हिंट किया? अजम्पशन, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये मटेरियल सप्लायर है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी हिंट नहीं किया है, तुमको ये अपने अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। या फिर आप अज्यूम करोगे ये मटेरियल सप्लायर नहीं है, दोनों आंसर सही होंगे। यस लिखोगे तो भी सही होगा, नो लिखोगे तो भी सही है, लेकिन डिपेंड तुमने कौन सा अजम्पशन लिया है। अगर तुम बस अपने मन से ही हाँ बोलते हो, ठीक है, मान लो इसके सजेस्टेड आंसर में लिखा है कि ये मटेरियल सप्लायर अज्यूम है, इसलिए हम हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, और आपने लिखा है नो और आपने अजम्पशन के साथ, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो बस अपनी बातों को अच्छे से रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ हिंटिंग थोड़ी ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में आइडेंटिफाई करोगे ना मटेरियल सप्लायर, उसमें लिखा होगा 20% अगर सप्लाई ये देते हैं तो ये मटेरियल हो गए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अजम्पशंस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट, दो परसेंट वाला इनएलिजिबल होता है, 1% तक का बन सकता है। अब देखो पहले वाले आंसर का क्या है आंसर, नहीं बनेगा।
दूसरे में हाँ और ना डिपेंड तुम्हारा अजम्पशन क्या है। नेक्स्ट ये बोलता है नहीं बनेगा, लास्ट बोलता है बन जाएगा, डन। ये 4 मार्क्स का है। हमने तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी पढ़ी, बताओ कैसे लिखेंगे आंसर? पूरी डेफिनेशन एक बार पूरा चिपकाएंगे ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। जो रिलेटेड प्रोविजन है बस वो कॉपी करना, मतलब जो ये लीज वाला जो पॉइंट है इसमें कौन सा वाला पॉइंट बताएंगे? ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये पूरा प्रोविजन लिखोगे कि भैया मटेरियल सप्लायर दिस 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 दिस, ठीक है? अब इसमें दो बातें कवर हो जा रही है, सप्लायर वाली दो बातें, तो ये पहले लीगल प्रोविजन लिखोगे, लीगल प्रोविजन लिखोगे, फिर बोलना कि पॉइंट नंबर वन, पहले लीगल प्रोविजन ये वाला लिखा, पूरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है? लीगल प्रोविजन लिखोगे कि भैया ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो आपको ये पता चल गया कौन कौन से प्रोविजन डालेंगे। पहला वाला पॉइंट और जो दूसरा वाला पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट में और दूसरे वाले पॉइंट में एक ही लीगल प्रोविजन से काम चलेगा कि दो बार लिखोगे? एक ही बार लिखना है बच्चों, ठीक है? ए और बी वाला जो पॉइंट है वो एक ही से काम बन जाएगा क्योंकि उसी की पूरी लिस्ट थी, सप्लायर वाली बात और लीज वाली बात एक ही में आ जाती है, ठीक है? तो एक प्रोविजन वो लिखना है। नेक्स्ट प्रोविजन और कौन सा है? 21 ईयर्स वाला, और ये 1% वाला कौन सा आ जाएगा? वोटिंग पावर वाला। तो टोटल 3 प्रोविजन लिखोगे, पहले लीगल प्रोविजन लिखोगे, लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन सा लिखा आपने? ये ई वाला पॉइंट लिखा, ये वाला पॉइंट लिखा, और कौन सा 2% वाला, ये सी, ठीक है? ये वाला लिखा 21, और ये 3 पहले लीगल प्रोविजन लिखो, फिर लिखो कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है? अब ये लिखो क्वेश्चन नंबर ए, ए का आंसर ये है, बी का ये, कंक्लूजन के साथ, फैक्ट्स और कंक्लूजन साथ में आएगा। लीगल प्रोविजन अब मत लिखो, देखो मैंने पहले क्या लिखा, लीगल प्रोविजन, 3 लीगल प्रोविजन लिख दिया, ठीक है? अब हम लिखेंगे ए पॉइंट, इसमें फैक्ट्स भी आएंगे और कंक्लूजन भी साथ में आएगा, क्योंकि लीगल प्रोविजन तो यहाँ लिख चुके, क्या दोबारा से लिखोगे? बोला फैक्ट्स ये बताते मेरे अकॉर्डिंग ये बन सकता है नहीं बन सकता, ऐसे लिख कर छोड़ना है। फिर ऐसे बी का बताओगे, सी का बताओगे, डी का बताओगे, बात समझ में आ गई पक्का? तो ये तरीका होना चाहिए, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अगर डेफिनेशन छोटी होती है तो आपको कंप्लीट पहले डेफिनेशन ही लिखनी होती है लीगल प्रोविजन में, लेकिन जब डेफिनेशन इतनी बड़ी बड़ी होती है और उसके एक आध पॉइंट में अगर कोई केस बनता है तो यस वो रिलेटेड पॉइंट ही बस लिखना है, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई पक्का? चलो यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है खत्म, आज की सभा समाप्त।